आपने कभी विचार किया है, जब से मोबाइल आया हमारे जीवन में, हमारी उदासी बढ़ गई है, व्यक्ति व्यक्ति की दूरी बढ़ गई है, मनमुटाव बढ़ गया है, मतभेद बढ़ गया है। पहले हम एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुक हुआ करते थे, कोई विदेश में नौकरी करने जाता था, दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाता था, तो अपनी पत्नी को वह पत्र लिखता था, प्यार भरा पत्र आता था वह, और पत्नी भी प्रतीक्षा करती थी और पति भी प्रतीक्षा करता था। आज क्या हो गया? आज एक कमरे में हम बैठ गए, बगल के कमरे में बैठे हुए हैं, कई दिनों तक बातचीत नहीं हो रही है, आवश्यकता पड़ती है तो मोबाइल से बात कर लेते हैं, माँ बेटा से मोबाइल से बात करें, ये कितनी चिंता की बात है। पति पत्नी से मोबाइल से बात करें, मोबाइल कोई आवश्यक चीज तो नहीं है। अगर मिलना हो तो हम आवे स्वयं साक्षात एक दूसरे से मिले। तो जब से मोबाइल आया हमारे जीवन में उदासी बढ़ गई। कभी देख लिया आप, पूरे बाजार में घूमते होंगे, घरों में परिवार में जाते होंगे, तमाम लोग उदास उदास, चेहरे की लाली खत्म हो गई, लालित्य खत्म हो गई, लावण्य खत्म हो गया, स्नेह और स्निग्धता खत्म हो गई, प्रेम और अनुराग खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि संशय भर गया। संशय का कीटाणु हमारे लावण्य को, हमारे रूप को, हमारे सौंदर्य को खा रहा है। संशय एक कीटाणु है, जर्म से। आपको आश्चर्य होगा, विचार भी एक प्रकार का जर्म से है। विचार कहते हैं एक सेकंड में पूरी पृथ्वी को विचार 3 बार परिक्रमा कर लेता है, इतना पावरफुल होता है वह भी जर्म से है। जब हमारे मन में एक बार संशय का कीटाणु घुस जाता है तो हमारी हंसी खत्म हो जाती है, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं। और जब मोबाइल 24 घंटा हमको चिंताओं को बोझ के नीचे दाबे हुए है तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम सड़क पर चलते हुए लोगों को देखते हैं, बात कर रहे हैं मोबाइल से, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब बगल में मोबाइल दाबे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, दुर्घटना पर दुर्घटना हो रही है। हमारा जीवन क्या इतना सस्ता हो गया कि एक मोबाइल से कौन सी आवश्यकता पड़ गई है? या आप कान के बगल में ऐसा कंधे पर लगाए हुए और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आकर ठोकर मारती है, दुर्घटनाएं घट रही हैं, और उसके बाद बात करने के बाद जब लाइन कटती है हम चिंता में पड़ जाते हैं। और चिंता में पड़ते पड़ते अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आप किस चिंता में पड़े हुए हैं, तो एक ही बात कहेंगे कि मैं चिंतित हूँ कि आकाश सिर पर न गिर जाए, कहीं भूकंप न हो जाए, कहीं प्रलय न हो जाए। मेरे भाई क्यों चिंता में पड़े हुए हो? आपको मोबाइल ने चिंतित कर दिया, मोबाइल ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो मोबाइल का उपयोग करिए, मैसेज दीजिए, आधा मिनट एक मिनट में बात करके एक दूसरे को संवाद दे दीजिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन अगर 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट मोबाइल से आप बात करेंगे तो आपके मस्तिष्क की ऊर्जा नष्ट होगी, न्यूरॉन्स मरेंगे और स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं तमाम अपने छोटे बच्चों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मोबाइल का उपयोग मत करो, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर हो जाएगा, ध्यान तुम्हारा तुम्हारी पढ़ाई की तरफ नहीं लगेगा, मेडिटेशन करो उसके बदले में। और मेडिटेशन करके अगर मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ानी हो तो मेडिटेशन करो, और तब देखो मेडिटेशन के बाद जब तुम्हारे शरीर में ऊर्जा आएगी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। इसलिए तमाम लोगों को यह पसंद करना पड़ेगा कि हम मुस्कुराना चाहते हैं कि मोबाइल रखना चाहते हैं, इसीलिए मैं मोबाइल और स्माइल मैंने इसका शीर्षक बनाया।